मैं प्रिया आपके साथ। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पीछे नवनिर्मित श्री महाकाल लोक में 28 मई को सप्तऋषि की मूर्तियों को नुकसान हुआ था। इस घटना के बाद से कांग्रेस ने भाजपा पर आक्रामक होकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। शनिवार को महाकाल लोक में लगी मूर्तियों की स्थिति देखने और सुरक्षा का आकलन करने के लिए प्रमुख सचिव नगरी विकास विभाग के साथ अधिकारियों का दल पहुंचा। शनिवार को नगरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई के साथ अधिकारियों के दल ने आकर श्री महाकाल लोक में लगी मूर्तियों का निरीक्षण किया। श्री महाकाल लोक के मेंटेनेंस को लेकर भी दल के सदस्यों ने नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह व स्मार्ट सिटी के आशीष पाठक के साथ चर्चा की है। मीडिया से चर्चा में नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने बताया कि 28 मई को आंधी के कारण श्री महाकाल लोक में लगी मूर्तियों को नुकसान हुआ है। श्री महाकाल लोक का सामान्य संधारण संचालन मेंटेनेंस और सुरक्षा व्यवस्था पर विचार करने के लिए तैयारी की जा रही है। श्री महाकाल लोक के लिए नगर निगम स्मार्ट सिटी मंदिर प्रबंध समिति और जिला प्रशासन सक्रिय है। यहाँ का सुचारू संचालन सुरक्षा में सभी शामिल है। इन सभी संस्थाओं का शासन के साथ MOU भी हुआ है। इसी के तहत मूर्तियों और जगह पर रखरखाव सही हो, सुरक्षा भी रहे, नागरिकों के लिए ठीक रहे, इसके लिए हमें ठोस नीति बनाना है। इस दिशा में हम प्रयास भी कर रहे हैं। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।